असी उदों ना किसे दी ईन मन्नी जदों तन तो लत्था सी चम साडा सानू मार मकाउण वाले कई आए कैम रहा संग्राम दा थम साडा रहना किसे दे नहीं दुबेल होके चलिया आउंदा है मुढ तो कम साडा सब कुछ संघर्षां दे लेखे ला देंगे जदों तीक है दम विच दम साडा शांतमई ढंग दे नाल फिर प्रदर्शन हो रहा है। किसान ने जिहड़े दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे ने एक साल होने वाला है किसानां नूं ते जिहड़ियां दिवालियां दशहरे किसानां ने दिल्ली दीआं बरूहां ते मनाए ते इस तों पहलां मंडियां च मनाउंदे रहे ने उहनां लई की कहोगे फिर एक संघर्ष शांतमई जो साढ़े पाश दे विच लंघ चुके शांतमई संघर्ष काफ़ी होए तो एक एजीटेशन बड़ी हुई सी जिहड़ा हथियारबंद संघर्ष सी वह भी एडा बड़ा सूझबूझ का संघर्ष सी मेरे ख्याल दे विच जे साढ़े आप दे उस टाइम गद्दारियां ना करदे जे साढ़े आप दे उस टाइम कालियां बिल्लियां ना बनते तो वह संघर्ष ने भी आप दीआं मंजिलां नूं क्रॉस कर जाना सी। फतेह कीता सी अफगान ते लाहौर मियां कदे जांदे सी काबल ते पिशौर मियां अज उन्हां राहां विच कंडे कौन ने खिलार गए दुनिया जित्तण वाले सिख ही हार गए। आखिर गदारियां दी गल करी आ उस राज दी गल करी आ तां फिर उस राज नूं भी उन्हां गदारां ने ही खोहिया ते उस राज अज दी जे तुसीं गदारियां दी गल करदे तां अज भी अपने विच ही पैदा हो रहे ने गदार अपने बंदी सदे देंदे ने उन्हां सरकारां दे लीडरां नूं जिन्हां दा विरोध करदे ने। आखिर ये क्यों हुंदा गा जदों ये गदार लोग गदारियां करदे नाल तां फिर जिहड़े बागी सूरमे लोग योधियां दी कदर वधदी है। करतार सिंह सराबे दीआं सत्रां देखो किड्डियां वड्डियां अज भी सानू ओह के हिंद वासियों रखना याद सानू किते दिलां चों ना भलास जाणा खातर वतन दी लगे हाँ चंड फांसी किते वेख के ना घबरा जाणा मुला सिंह कृपाल नवाब वांगू दाग कौम दे मत्थे नाल ला जाना जिहड़े रस्ते चले हाँ असीं वीरो उस रस्ते तुसीं भी आ जाना। लेकिन इहदे अगे भी सत्रां सन जिहड़ी बदकिस्मती होई असीं पढ़ियां नहीं सी। जिहड़े अज नौजवान वीर अणखां दी गल करदे ना मैं उहनां नूं बार बार कहिंदा आखदा भी किवें अणखी दी जिंदगी जीवी दी ए गुरु गोबिंद सिंह जीआं सच्चियां सरकारां तों पुछ किवें जिंदगी लई दी सिर दे के पंजां अमृत दियां तलबदारां तों पुछ इस अमृत विच खूबियां किन्नियां ने किसे लिश्क दे खंडे दियां धारां तों पुछ कल्ला किवें लड़िया नाल सवा लख दे ए चमकौर विच चलियां तलवारां तों पुछ शाह हिंद ने सजदे किवें कीते नूरी कलगी दियां नमस्कारां तों पुछ अपने तों पुछ बेगाने तों पुछ नहीं तां सारे ही इतिहासकारां तों पुछ फुट राज नूं किवें तबाह कर दी महाराणी जिंद जईआं समझदारां तों पुछ ते कौमां आगू ही डोबदे तारदे ने अकाली फूला सिंह जिहे सिफा सलारां तों पुछ जे अज असीं अंदोलन 11 महीनिआं तों नहीं जित सके साड़ी बदकिस्मती है भी जिहड़ी आपां ने लखां रुपये दी उत्थे शराब पीती है ये साड़ी बदकिस्मती है। जिस गुरु का आसरा लेके तुसीं चले हो जे तुहाडे विच उस गुरु प्रति तुहाडे च भावना होवेगी तुहाडे विच उह शरदा भावना होगी तुसीं अरदास बेनती करोगे बाणी ते बाणे नूं जुड़ गए तां गुरु महाराज आप तुहाडे सामने प्रतक होके लड़नगे तुहाडी अगवाई उह करनगे। किसे अज तों नहीं सदियां तों चलदा आया लेकिन जिस तरह अज नौजवानी ते बजुर्गी ने आपस विच मिल के जो अज पंजाब दी धरती ते किसे तरीके नाल सानू पता लग्या सी कल भी सीएम खट्टर ते राजनाथ सिंह बीजेपी दे वड्डे लीडर पहुंच रहे हैं सो उस दे विच जिहड़ा अज घड़ूए दी धरती ते जो सीयू चंडीगढ़ दे विच प्रोटेस्ट लिखिया सी इहदे विच वड्डी जित होई किसान वीरां दी नौजवान भरावां दा सब दा साथ रहा सब तों वध एका रहा अते जज्बातां दे नाल सब ने जो असली फैसला लिया सी उस दे उत्ते साडी अज जित होई है सी। असीं अग्गों भी सारे वीरां नूं तुहाडे जरिए बात चकदे हां कि के टी वी दा भी बड़ा धन्नवादी हां असीं क्योंकि शुरू तों अज दिल्ली दियां जे खबर आपां कह रहे लोकल मीडिया साडा चकदा रहा नैशनल मीडिया जिहड़ा गोदी दा गुलाम बन चुकिया है ये वड्डी गल है वीरो। अज जे आपां गल कीती जावे आजादी दी पत्रकारी खेत्र च भी वड्डी गुलामी आ चुकी है गिरावट आ चुकी है चाहे वह अपना नैटवर्किंग दे विच होवे चाहे अपना अखबार पत्रकारी होवे दोनों दे विच वड्डी गिरावट आ चुकी है। अज वड्डे कहिंदे कहुंदे चैनल जिहड़े गुलामी दे रस्ते तुर चुके हैं तो मीडिया भी पत्रकार भी लेकिन तुहाडा असीं धन्नवाद करदे हां दुबारा फिर कहने यही गल भी असीं उदों ना किसे दी ईन मन्नी जदों तन तो लत्था सी चम साडा सानू मार मकाउण वाले कई आए कैम रहा संग्राम दा थम साडा रहना किसे दे नहीं दुबेल होके चलिया आउंदा है मुढ तो कम साडा सब कुछ संघर्षां दे लेखे ला देंगे जदों तीक है दम विच दम साडा। वाहिगुरू जी एक गल कही सी तुसी स्टेज दे उपर के जिहड़ा एक संघर्ष चलिया 1984 है जिहड़ा संताप भोगिया पंजाब ने 1947 का संताप भोगिया पंजाब ने 1966 का संताप भोगिया पंजाब ने उस तो बाद एक संघर्ष की तुसी गल करी सी कि हथियारबंद संघर्ष भी होया उस तो बाद उस संघर्षों तो बाद हुण एक शांतमई ढंग दे नाल फिर प्रदर्शन हो रहा है। किसान ने जिहड़े दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे ने एक साल होने वाला है किसानां नूं ते जिहड़ियां दिवालियां दशहरे किसानां ने
दिल्ली दियां ब्रूहां ते मनाए ते इस तो पहला मंडियां च मनाउंदे रहे ने, उहनां लई की कहोगे फिर हुण? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ KMP ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਨ ਬਾਬਾ ਮਾਨੂ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੈਕਪੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਬਾਗੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਣੀ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣੀ, ਉਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਗੋ ਥੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮੀਆਂ, ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੌਰ ਮੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਖਰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੂਰਮੇ ਲੋਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀਆਂ 17 ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਸ ਜਾਣਾ, ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਡ ਫਾਸੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਨਵਾਬ ਵਾਂਗੂ ਦਾਗ ਕੌਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 17 ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 17 ਵੀ ਪੰਜ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 17 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਰੇ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰ ਬਾਰੇ
दिस लिश्क दी थोनू आन सिंह मतलब उत्ते बड़ी गल की गई है उन्होंने सूरमिया ने उस इतिहास का वरका जेड़ा चंद कु सत्रह के साडे सामने रखिया सी भी यह समाज साढ़े जान पिछों भी वह इन्हों के चेतना मरेगी नहीं लेकिन साड़ी बदकिस्मती है वीरो आप बोर्ड सिस्टम बड़ा आखते हैं लेकिन साढ़े गदारा नहीं कल का दिन इतिहास के वीरों कि बड़ा सी तुहानू शायद पता होना सरदार दर्शन सिंह फेरू मान की शहादत हुई है इस पंजाब की धरती से लेकिन वह सूरमे की होई भुख का हड़ताल के कारण है लेकिन उसने अरदासा सोधिया सी लेकिन जी आप गल करिए अज अरदासा कितने गई ने अज आप बेअदबी की गल करते हैं बड़े गुरम प्यारे बेअदबी की गल करते भी हाँ ठीक है असं ये किया वो किया करना चाहिए जिथे महाराज कहने जे जीवै पत लत्थी जाए सब हराम जेता किश खाए लेकिन भीरो 2015 तो बरगाड़ी तो शुरू होकर अज तक बेअदबी का सिलसिला है श्री केत केसगढ़ साहब गुरु महाराज के ताबे के बेअदबी हुई उदों साढ़े सुरमे कितने गए सन बगराड़ी तो लैके अज तक चब्बे के मैदान के 8 लाख का कट होया उदों असी सिर्फ जथेदारी कड़े सन उदे विचों कुछ कड़ सके हैं बरगाड़ी के मैदान कि कट होया तीन ध्यान सिंह मंड की अगवाई दे विच उत्थे की होया साडे नाल मैं कहना भी साड़ियां गदारियां ही लेकिन इतिहास दसदा है भी कौम आगू ही डोबदे तारदे ने कौमां आगू ही डोबदे तारदे ने अकाली फूला सिंह जे सिपा सलारां तो पुछ जिहड़े अज नौजवान भीर अणखां दी गल करदे ना मैं उन्हां नूं बार बार कहिंदा आखदा भी किवें अणख दी जिंदगी जीवी दी ए गुरु गोबिंद सिंह जीयां सच्चियां सरकारां तो पुछ किवें जिंदगी लई दी सिर दे के पंजां अमृत दियां तलबदारां तो पुछ इस अमृत विच खूबियां किन्नियां ने किसे लिश्क दे खंडे दियां धारां तो पुछ कल्ला किवें लड़िया नाल 1.25 लाख दे ए चमकौर विच चलियां तलवारां तो पुछ शाह हिंद ने सजदे किवें कीते नूरी कलगी दियां नमस्कारां तो पुछ अपने तो पुछ बेगाने तो पुछ नहीं तो सारे ही इतिहासकारां तो पुछ फुट राज नूं किवें तबाह कर दी महाराणी जिंद जईआं समझदारां तो पुछ ते कौमां आगू ही डोबदे तारदे ने अकाली फूला सिंह जिहे सिपा सलारां तो पुछ अज भी मैं 32 जथेबंदियां दे आगू साहिबानां नूं यह बेनती करदा तुहाडे जरिए भी तुहाडे उत्ते वड्डियां उम्मीदां ने असीं वड्डियां उम्मीदां लाई बैठे 11 महीने हो गए जो तुसीं काल दित्ती असीं पहरा दित्ता है मैं KMP ते भी गल कीती थी किते विचों कुछ कोई किते उणी की गल ना हो जावे डोल ना जायो किते समा किसे नूं वी माफ नहीं जे करदा चाहे कोई किड्डा वड्डा भी होवे मैं हर एक इंसान नूं ये गल करदा जे असीं गदारियां कीतियां दर्शन सिंह फेरू मान नूं शहीद की ने कीता है उस टाइम अकाली सरकार सी बाजार के जोड़े लोग सिर पर दस्तारा बनी बैठे में इन्होंने शहीद किया है असी खुद बिच सी जदों अकाली है ना पूजे ना अकाल बिन होर कोई देवी देव सिख दशमेश का सो कही है अकाली आ हुण असी किनू रोईए अज कित अकाली की गल शब्द किसी अर्थ पूछ लो जो अपने आप को अकाली कह रहा है भी मैं अकाली है श्रोमणी अकाली है उस टाइम मास्टर तारा सिंह ते गुरनाम सिंह मेन कारण सन दर्शन सिंह फेरू मान की शहादत दे अते उन्होंने की किया अज असी रौला पाने भी हाँ जी इंदिरा गांधी ने टैंकों नाल हमला करवाया करवाया कि ने भुल गए जे गुरु अर्जन देव महाराज नूं 33 तवी ते जहांगीर ने बिठाया लेकिन बिठाउण वाला कौन सी चंदू सी मीरी पीरी दे मालक ने चंदू नूं नक दे विच नकेल पा के गल लाहौर दियां गलियां दे विच घुमाया ते अज असीं भुल गए लोग भी जे दरबार साहब ढाया ढोण वाला कौन सी ढोण वाले तुहाडे अकाली सन जिन्हां ने चिट्ठियां पा पा के दिल्ली तों ओह फौज इत्थे सद्दी लेकिन अपने गदार लोग भुले उत्थे भी किन्हां लोगों ने इमारत सरकार का पैसा लेके किन्हां लोगों ने इमारत बनाई सी उप गुरु के बाणे वाले नहीं बनाई सी गदारियां किन्नियां उदों होईयां गुरु के बाणे वाले ने कीतियां यह गल्लां भीरे असी कहना नहीं चाहते असी बार बार नौजवानों भी कहने जिन्हें साढ़े नाल डिबेट करनी कोई अकाली पार्टी का होवे कोई कांग्रसी होवे जां मर्जी कर लो साडा किसी नाल बैर नहीं विरोध नहीं लेकिन असी तुहानू अज भी गल करदे भी समा किसी नूं माफ नहीं करता जे सभरावां दे मैदान दे विच शहीद शाम सिंह अटारी वल्लों ओह लड़ी गई फैसला कुन लड़ाई दे विच असी लोगों ने गदारियां कीतियां साडे लोगों ने उदों बहुत गिणती साथ नहीं जे दिता तां अज ओह वंगार हैगी है जे महाराणी जिंद कौर ने एक खत पाया सी चाहे उस नूं सोहण सिंह सीतल ने लिखिया है लेकिन वह खत दियां बड़ियां कदरां कीमतां अज उन्हां आगूआं वास्ते भी हैं भी चिट्ठी लिखी महाराणी ने शाम सिंह नूं बैठ रहे हो कि चित्त विच धार सिंघा दोवें जंग मुदकी ते फेरू शहर वाले सिंह आए अंग्रेज़ तो हार सिंघा कानू हार दे ते मेहणे जग दिंदा जिउंदी हुंदी जे अज सरकार सिंघा तेग सिंघां दी तां खुंडी नहीं होई सी ऐ पर अपने दे गए गदार सिंघा
जे वो 1849 दे विच सिख राज दा सूरज शाम नू 5 बजे शाम सिंह अटारी दी शहीदी तो बाद अस्त होया तां अज तो बाद अज तक चढ़िया नहीं। जे अज साडे किते कोई आगूआं वल्लों किते साडे वल्लों इन्नी की हुंदी है जिस अंदोलन नू असीं लै के तुरे हां वीरो, परिंडां दे छत्ते ते डरा मारना सौखा है लेकिन डरा मार तो बाद फिर घर बैठना बड़ा मुश्किल। जे तुसीं जिहड़ी सरकार दे नाल पंगा लिया वो आपका हिंदुत्व का एजेंडा इत्थे लागू करना चाहती तो लागू बहु गिणती कर भी चुकी है, चाहे सिक्ख्या खेत्र दे विच होवे चाहे पानिया का मुद्दा होवे, मुद्दे बड़े ने। सो तुहाडा भी धन्नवाद, आवाम नूं बेनती है, समूह नौजवान भाईचारे नूं बेनती है, अज समा सूझबूझ दा है, अज जे कोई आगू आप उन्होंने नाल तुरीए वड्डी गिणती करिए, जे मन दे विच विचार है तो उन्होंने नाल जाके गल भी करिए। मैं नहीं कहता भी गल ना करो, तुसीं आपदी गल रखो, उत्थे जे कितें कमी पेशी तुहाडे सामने आउंदी है, लेकिन जज्बातों के इन्ना ना हर जो जे सरकार वालों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करवाई गई तो सरकार वालों ही बंदा झटकवा दिता गया, की नहीं होया साडे नाल? सानू तो किसी तोमर ने अज तक इनवाइट नहीं किया, सानू 11 महीने हो गए, किया किसी तोमर ने इनवाइट भी हाँ जो तुहाडे नाल गलबात करनी है? ये बड़ी कल जथेबंदियां निहंग सिंह जथेबंदियां दा काफ़ी वड्डा इकट्ठ होया सी सिंघू बॉर्डर ते, थोनू भी पता होना निहंग सिंह जथेबंदियां ने संगतां दे सामने रख्या सी कि जेकर सानू संगत कहिंदी है कि इत्थों चले जाओ तो असीं चले जावांगे, पर संगत एन आर आई वीर बैठे ने वह कह रहे हैं कि निहंग सिंह एक मोर्चे का हिस्सा ने, वह मोर्चे च बैठे रहेंगे। तो निहंग सिंह ने एक फैसला होर भी करया, वह कहें कि आ दिवाली तो पहला पहला 8 to 10 जथेबंदियां जिहड़ियां कि निहंग सिंह दियां ने वह जाणगियां पिंडां दे विच गुरद्वारा साहब दे विच जाणगियां, उत्थे जिथे कोई पहरा नहीं होएगा, गुरु ग्रंथ साहब की राखी नहीं करी जाएगी, तो उत्थों जिहड़ा अरदास करके गुरु ग्रंथ साहब वह चक लिया जाएगा, तो उस तो बाद जिहड़ा कि फैसला होगा वह लिखती रूप दे विच लैके उन्हां नूं फिर गुरु ग्रंथ साहब दिता जाऊगा। इस दे विच किवें आपां कह सकदे हां कि उह सरकार वल्लों कतल करवाया गया सिंघू बॉर्डर ते, जां सरकार वल्लों ही इनवाइट करके उस नूं भेजा गया इत्थे? काफ़ी कुछ निकलता है सवालों के विच, बेशक हजे जिहड़ी गुत्थी आ उह सुलझी नहीं हैगी, पर फिर भी सुलझदी कितें नज़र आ रही हैगी। उह असीं बड़ा सत्कार करदे निहंग सिंह फौजां दा जी, ये गुरु कियां लाडलियां फौजां है, इन्हों हर टाइम मोर्चे उत्ते डटे रहना चाहिए है, तो जदों इन्हां दी लोड़ पई सानू पता है 27 जनवरी का दिन उदों इन्होंने बड़ा उत्थे उत्थे जो साडा साथ दिता है, लेकिन गल ये नहीं हुंदी ताड़ी एक हाथ नाल नहीं वीरे बंद बजदी, जे बिचों किते अज कोई आगू गलती करदा जथेबंदियां दा कोई निहंग सिंह फौजां दा फौज दे विचों बंदा आगू कोई गलती करदा तां सानू उस दे बारे भी देखना पवेगा। जे हुण तुसीं गल करदे बेअदबी दी, मैं तुहाडे चैनल दे जरिए बेनती करदा है निहंग सिंह फौजां में सिरमौर हैं पंथ दियाँ, लेकिन अज इन्हां नूं 328 सरूपां का हिसाब मंगना चाहिए एस जी पी सी तो, जेड़े 700 गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सरूप हैं बसों के बिच सलाब के गल गए, साड़ी बदकिस्मती असी इंसाफ मंगया किसी ने, अज उन्हां निहंग सिंह फौजां नूं इंसाफ मंगना चाहिए है। तो बाकी मैं तुहाडे चैनल के जरिए बेनती करदा है गुरु अकाल तख्त साहब तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अदब सत्कार प्रति काफ़ी हुक्मनामे जारी होए, निहंग सिंह फौजां नूं बेनती करदा तुहानूं लिस्ट मैं दे दिंदा पंजाब दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज का किन्ना क सत्कार हो रहा है, जिनी हुक्मनामे की उलंघना पंजाब की धरती ते 100 पिंडां की लिस्ट अज दे दिंदा, तुसीं कार्रवाई करो जे कोई करके दिखावे। जसविंदर सिंह काफ़ी दर्द चक्की फिरते हैं कौम का, जेकर तुहाडियां गल्लां तो असीं कहीए ना, तुसीं काफ़ी दर्द चक्की फिरदे हो इस कौम का, इस कौम नूं आखिर सीधे राह ते किवें पाया जाऊगा, क्योंकि अज स्कूल बंद हुंदे ने ते ठेके ज़्यादा खुलदे ने। देखो वीर जी, आपां समय के हाणी बन के तुर सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा ने करना है ना, जो लिखिया पिया परमेश्वर एक वड्डी चीज़ है, अज परमेश्वर ने ही कोई विधना बनाई, अज पग दस्तार नूं उच्चा चुकिया है नहीं, लेकिन आप जे पिछोकड़ के 10 साल का इतिहास पढ़िए तो पग का गिरावट अपना जो प्रचार से सिखी का वह भी उच्चा नहीं चक सकिया, ये गुरु साहब की कृपा के नाल किसानी अंदोलन के पग नूं फिर उच्चा चुकया गया है, लेकिन परमेश्वर का पता नहीं, परमात्मा कलगीधर पिताधर पता नहीं भी इस अंदोलन के पिछों किहड़े पड़ावां ने होर पटना है, किधर किधर नूं पटना है, क्योंकि यह परमेश्वर की कला। लेकिन जिहड़ा सवाल तुसीं पुछिया, जे मेरी नौजवानी नूं खास करके बेनती है, जे तुसीं बाकी कुछ सिखे हो, बाकी कुछ करना चाहुंदे, जे तुहाडे च बाकी दर्द है पंजाब प्रति, लोकां प्रति, भावनावां प्रति, तां उठ के जागो, अज पंजाब दे किहड़े नगर दे विच चिट्टा नहीं जे विक रहा, पंजाब दे नगरां दे विच मेरे ख्याल जे मेरे पिंड च वी बंदे ने चिट्टा खाने है, कित्थे नहीं खांदे चिट्टा चलदा है, किहड़ा मैं कहना पंजाब, फिर तुहानू अलामबंद होना पवेगा। अज जे नशा आपां कहीए बार्डर क्रॉस करके आउंदा, क्रॉस करके नहीं आउंदा वीरो, बार्डर सारा ही पंजाब दे विच ही नशा पैदा किया जा रहा है, दिल्ली दे बार्डरां तों नशा आ रहा है,
सब कुछ सरकार आप उदे विच इनवॉल्व है, अपने मंत्री एम एल ए समान बिच इनवॉल्व है, सारे सिस्टम के बिच काम बड़ा ही करप्ट हो चुका है। लेकिन अज सानू फिर जरूरत है आपदे इतिहास नू बन के पढ़ के अते सिखी सिख्या गुर विचार गुरु की बाणी दे नाल बाणे के बाणी ते बाणे नाल जुड़ के ते अमल करके, क्योंकि महाराज ने कहा सो सिख सका बंद पै भाई जे गुर के भाणे बिच आवे अपने भाणे जो चलै भाई विछड़ चोटा खावे। अज किनिया क अपनिया सत्कारयोग सिरमौर जथेबंदियां जिहड़ियां अज होमे दे विच नहीं ग्रस्तियां पईयां है। जाके हुण किसानी अंदोलन चलिया गया, एक लास्ट दे विच वड्डा सवाल है, ये लोगों का सवाल भी आ, लोग भी जिहड़े विरोधी ने उन्होंने तो करने ने सवाल जिहड़े किसानी अंदोलन के विरोधी ने, पर ये एक निज का सवाल भी आ, क्योंकि उत्थे किसानी अंदोलन के विच किसानी झंडे के थले जिहड़े समगलर ने जां जिहड़े मतलब उस चीज़ नूं तरजीह दिंदे ने नशे नूं, वह भी कितने कितने जाके अखां च घट्टा पा रहे हैं। तुहानूं लगदा गा किस तरह मैं पूरा जिमें कि कोई गड्डिया के उपर झंडे लाए ने, झंडे वाली गड्डी कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकता ज कोई होर नहीं रोकता, अजिहा कुछ घट्टा पैंदा नज़र आ रहा अखां के जिहड़ा कि दिल्ली के बॉर्डर से विकता गा नशा, तो वो गल्लां कितने कितने जाके सच्चियां होंदियां नज़र आ रही ने कि यार इतों जाते हैं कुछ क लोग उतों जाते हैं, उतों दारू ले आती कुछ होर ले आता, किसानी झंडा लग्या हों मूहे जिन्ह ने आपका दो नंबर का काम करना, अजिहा हों तुम देखा कदे? साडे बाबी रे जिहड़ी तुसीं सवाल कीता सवाल बड़ा इंपोर्टेंट है, साडे पर रिपोर्ट आई सी उहदे बारे असीं काफ़ी इस तरह अपनी टीमां भी अपने इलाके दे विच बनाईआं, साडे इलाके च इस तरह का कुछ उहदे विच गलबात आई नहीं जी भी उत्थों कोई इस तरह की चीज़ आउंदी, लेकिन नहीं अफवाहां नहीं इहदे विच सच्चाई होवेगी जरूर 30-40%, क्योंकि तुहाडे चैनल जरिए मैं बोलना नहीं सी चाहुंदा हुण बोले दईए, जे अज असी अंदोलन 11 महीनों तो नहीं जित सके साड़ी बदकिस्मती है भी जिहड़ी आपां ने लखां रुपए दी उत्थे शराब पीती है, ये साड़ी बदकिस्मती है। जिस गुरु का आसरा लेके तुसीं चले हो जे तुहाडे विच उस गुरु प्रति तुहाडे च भावना होवेगी, तुहाडे विच उह शरदा भावना होगी, तुसीं अरदास बेनती करो कि बाणी ते बाणे जुड़ गए तो गुरु महाराज आप तुहाडे सामने प्रतक हो के लड़नगे, तुहाडी अगवाई उह करनगे, लेकिन साडी बदकिस्मती है। मैं बड़े वीरां नूं इह कीता, मेरा नगर पिंड बडाली अज तक वीर संघर्ष के एक दिन भी साड़ा मिस नहीं जे होया, तुसी संघर्ष के अज आखोगे तुसी जाके साड़ी हाजरी देख लो हाजरी दे किला क्या हालात हैं। बडाली वाला सिंह सच बोल रहा है, बडाली वाले सिंह ने अज सच कही है गल कि उत्थे काफ़ी शराब भी पीती गई है, लखां की शराब पीती गई है कि इतों अरदासा करके चले सके, जिहड़ी अरदास बंदा करके चले तो वह पूरी हुंदी है, पर 11 महीने तो वध दा समां हो गया इत्थे किसानां नूं बैठिआं नूं जांदे जांदे की कहके जाऊंगे? जाते हुए तो यही कहने भीरो कितने वो ना काम शाह मुहम्मद एक सरकार बाजियों फौजा जित के अंत न हारिया ने, कितने साडा उस सानू इतिहास दियाँ उस सत्रां द्वारे ना लानत पाउण, जिहड़े इतिहास है लिखिया जाया करदे ने कितने इतिहास इस तरह नहीं हुंदे भी हाँ जी एक जगह लामबंद हो गए, इतिहास नवें बनाउणे पैने हैं। जे आपां भाई तारू सिंह की गल करदे हां भी उन्होंने बंद बंद कटाए तो इतिहास के कदे भी पढ़ के देखो सरदार शहीद भाई नोक सिंह बब्बर का वो सूरमे का किस तरह बंद बंद कटिया गया कितने इतिहास पढ़ के देखियो, हो रहे लक्ष्मण सिंह धारोवाल हो रहे हैं कि जिहड़े सिंह शहीद होए ने ननकाणा साहब की तुसीं गल करी सी साका ननकाणा साहब जदों वापरिया उदों भी एक शांतमई ढंग दे नाल उह गुरुद्वारे आजाद करवाउण गए सीगे, लेकिन उन्हां दा गुरु प्रति कीदा बड़ा उच्चा सी जी, मैं बड़ा उन्हां नूं हर टाइम प्रणाम करदा, देख लो 130-135 शहादतां होईआं जे इतिहास पढ़िया गया जिहदे विच ते गुरु के खालसे ने भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल उन्होंने जो लामबंदी के टाइम वो तुरे सन अरदास बेनती करके भी असी किसी ने भी आपकी श्री साहब भी बाहर नहीं कढ़नी, तुसी हैरान होंगे 130-135 गुरु के खालसे दे विचों एक ने भी जेड़े लामबंदी सन जिन्हां पास 3.5-3 फुटिया कृपाना भी सन, क्योंकि शांतमई एक अरदासा सोध के आपकी कृपान भी नहीं कढ़ी ते उत्थे अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन गुरु के तां आजाद होए क्योंकि जदों वो शहीद हो गए सन उन्होंने कुछ नहीं जे उत्थे देखिया भी आजाद होया नहीं होया, लेकिन कलगीधर पिता आप वरते फिर जिहड़ी खबर उस टाइम मोबाइल का जरिया कोई नहीं सी, लेकिन गुरु के खालसे टाइम रातों रात पहुँच गई, दूजे दिन उत्थे इकट्ठ होया ते गुरु के धाम आजाद होए। उत्थे 12 साल दे इक सिंधी जाति बेटी नाल बलात्कार होया सी ननकाणा साहब दी जूदे विच, इत्थों उत्थे कार्रवाई आरंभ हुई, अज साडे लोकां नूं पता ही नहीं गुरु घरां दे विच अज भी बलात्कार हो रहे, अज की नहीं हो रहा तुहाडे गुरु घरां दे विच, अज सब कुछ हो रहा है, साडी बदकिस्मती है भी असी उन्हां लोकां नूं डोरां फड़ा दित्तियां जिहड़े लोकां नूं धर्म दा ज्ञान ही नहीं जी, अज किसी SGPC मैंबर नाल तां साडी डिबेट करा के देखो नाले असी किसे उह नहीं हैगे भी हाँ किसे असी धर्म नाल बहुत अग्गे, सानूं कोई कहिंदा भी असी बहुत धार्मिक हां, असी जथेदार साहिबानां नूं जिद्दन भाई परमजीत सिंह भिओरे की माता चढ़ाई कर गई
ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੋਧੇ ਬੇਅੰਤ ਸਤਮੰਤ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤਿਹਵਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਰੀ ਮੰਨੇ ਬਈ ਧਾਨੋ ਮਾਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋਤਮ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਸਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ? ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ 94 ਲੱਖ ਪੈਸਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਰਨੇ ਦੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆਂਗੇ, SIT ਬਣਦੀ ਆ, SIT ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਗਈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ 2015, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕੀ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਕਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ? ਜੇ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ? ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਵਾਪਰੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ? ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਕਦਰੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਝਲਕਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ KTV ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।